हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर की घटना के विरोध में कल बंद रहेगा आबू रोड। आबू रोड सिरोही उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हुई जनघन्य हत्या के विरोध में कल आबू रोड बंद रहेगा। हिंदू संगठनों व व्यापारिक संगठनों की बैठक में जनघन्य हत्याकांड पर रोष जाहिर किया। प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध करने का निर्णय किया गया। शहर के मारुति कॉम्प्लेक्स में हिंदू संगठनों समेत विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें उदयपुर में हुए जनघन्य हत्याकांड की मृत्संना की गई। साथ ही घटना के विरोध में गुरुवार को आबू रोड बंद रखने व राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देने का निर्णय किया गया। बैठक में बाद शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। व्यापारियों को प्रतिष्ठान बंद रखने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, भाजपा, संयुक्त व्यापार संघ, किराना व्यापार संघ समेत विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रशासन अलर्ट मोड पर उदयपुर की घटना के बाद उपजे रोष के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते बुधवार को शहर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे। आगरा भट्टा, मानपुर समेत विभिन्न व्यवस्थम चौराहों पर पुलिस जवान तैनात रहे। पुलिस अधिकारी गश्त कर कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इंटरनेट बंद, एहतियात के तौर पर आज को इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सुबह से ही सोशल मीडिया पर सन्नाटा पसरा रहा। निर्मल चहकने वाले विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप भी शांत रहे। नेट बंद रहने से खासकर युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ऑनलाइन कार्य भी प्रभावित रहे। युवा वाईफाई के जुगाड़ में जुटे रहे। वहीं पुलिस को भी सोशल मीडिया पर नजरें तिरछी रही। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से खास रिपोर्ट।